नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं हाल ही में। आप जानते हैं जिस हिसाब से कोविड का असर, कोरोना वायरस, इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, तो गवर्नमेंट ने कुछ इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेविंग्स बैंक अकाउंट, इसमें 4% ईयरली इंटरेस्ट आपको दिया जाता है अन्य बैंकों की तरह। फिर उसके बाद 1 ईयर टर्म डिपॉजिट, जिसे 1 ईयर TD कहते हैं, इसमें 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। उसके बाद सेकेंड ईयर 2 ईयर टर्म डिपॉजिट, जिसे 2 ईयर TD कहते हैं, 5.5% इसमें भी है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। 3 ईयर टर्म डिपॉजिट, जिसे 3 ईयर TD कहते हैं, इसमें भी 5.5% क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट किया जाता है। इसके बाद 5 ईयर टर्म डिपॉजिट आता है, जिसे 5 ईयर TD कहते हैं, इसमें 6.7% इंटरेस्ट है, जो क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। फिर इसके बाद आता है 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे 5 ईयर NSE कहते हैं, इसमें 6.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये ईयरली कंपाउंडेड होता है। फिर किसान विकास पत्र है, जो कि KVP बोलते हैं, जिसे 6.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ईयरली कंपाउंडेड होता है। इसमें आपके पैसे 10 साल 4 महीना में डबल हो जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। फिर हम बात करेंगे 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे 5 ईयर RD कहते हैं, इसमें 5.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है, तो ये ईयरली आपका 6% के आसपास आ जाता है। फिर हम बात करेंगे 5 ईयर मंथली इनकम स्कीम, जिसे 5 ईयर MIS कहते हैं, इसमें 6.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि एक अच्छा ही इंटरेस्ट है। इसमें आपको मंथली इंटरेस्ट आपका सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, इसमें 7.4% ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे PPF कहते हैं, इसमें 7.7% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि ईयरली कंपाउंडेड है। तो दोस्तों, ये थी बहुत सारी पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम, जो कि सभी लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं और इसमें इन्वेस्ट करते हैं, चाहे जो भी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो दोस्तों, ये सब थी पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आपको इन्हीं कोई स्कीम के बारे में पूरे डिटेल्स में जानना हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पर पोस्ट करूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिलती रहे। थैंक यू।